सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट टेक इन्फो चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय दोस्तों, मैं हूं उज्जवल और आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक इन्फो में। दोस्तों, ओप्पो का नया स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है ओप्पो A3S। जी हाँ, ये ओप्पो A3S एक्चुअली है क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये दो वेरियंट्स में लॉन्च हो रहा है दोस्तों। एक है 2 GB रैम और एक है 3 GB रैम। जी हाँ, ये 2 GB रैम के साथ और 3 GB रैम के साथ लो बजट एंड का मोबाइल ऐसा कहा जा रहा है, बट मुझे लग रहा है बजट मोबाइल है। तो यहाँ पर आइए, मैं डिटेल में आपको बताऊँगा। जो 2 GB है उसमें आपको इंटर मेमोरी मिलेगी 16 GB, और जो 3 GB रैम है उसमें आपको इंटर मेमोरी मिलेगी 32 GB। तो ये दो वेरियंट्स में अवेलेबल है। इसके स्पेसिफिकेशंस और डिटेल में इसका प्राइस मैं आपको बताऊँगा अभी इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, इसके स्पेसिफिकेशंस 6.2 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले है। आईफोन 10 की तरह से नॉच दिया गया है जो काफ़ी अच्छा है, और अगेन ये तो फैशन बन गया है यार, आईफोन 10 की तरह हर कोई नॉच निकाल रहा है। बट 6.2 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले दिया गया है, वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। हाफ एचडी नहीं, फुल एचडी दिया गया है। और जहाँ तक इसका मैंने आपको ऑलरेडी बताया, रैम 2 GB रैम और 3 GB रैम दो वेरियंट्स है। इंटरनल फोन मेमोरी 16 GB प्लस 32 GB दो है। SD कार्ड सपोर्ट करता है, जी हाँ 256 GB तक इसे आप SD कार्ड सपोर्ट करता है। डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट अलग से दिया गया है इसे, जो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अभी जहाँ तक बात होती है दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसर की, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर दिया गया है जो मुझे अच्छा लगा। अगेन मुझे लग रहा था मीडियाटेक होगा, बट स्नैपड्रैगन 450 दिया गया, थोड़ा सा कम है। 1.8 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन 450, ओके कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पर आपको बैटरी कुछ ज़्यादा दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इसमें सबसे एडवांटेजेस बात है बैटरी। 4230 mAh की बैटरी दी जा रही है, बट फास्ट चार्जिंग से सपोर्ट है या नहीं अब तक कंफर्म नहीं किया गया है। ये एक मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है दोस्तों, इतनी बड़ी बैटरी आप दे रहे हो और फास्ट चार्ज एटलीस्ट USB टाइप सी तो दिया करो। तो पता नहीं USB टाइप सी भी इसमें नहीं दिया गया है, वो एक मुझे डाउट लगा। तो जहाँ तक ऑप्टिक्स की बात आती है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्टिक्स आपको मिल रहा है डुअल रेयर कैमराज, एक 13 MP प्लस 2 MP, और फ्रंट जो है सेल्फी कैमरा वो रहेगा आपको 8 MP। तो ये सेल्फी ब्यूटी फिक्शन के साथ दिया गया है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा लगा, बट अब सबसे जो चुभ रही है बात मुझे वो है इसके प्राइस। तो आइए इसका प्राइस मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा लग रही है मुझे। 2 GB रैम, 16 GB इनबिल मेमोरी का रेट गेस कीजिए, 10,990। जी हाँ दोस्तों, 10,990 में सिर्फ 2 GB रैम आ रहा है, 16 GB इनबिल्ट मेमोरी आ रही है यार। 16 GB तो कुछ नहीं है, ओप्पो ये ऐसा कैसे निकल रहा है। ओप्पो का ये एक सब ब्रांड है Realme 1, आप सभी को पता है, हम सभी को पता है, जिसमें सिर्फ 9,000 रुपीज़ में 3 GB रैम, 32 GB इनबिल्ट दिया जा रहा है। सिर्फ आईफोन 10 की तरह फुल व्यू डिस्प्ले नहीं है और आईफोन 10 की तरह नॉच नहीं है बस, बाकी सब ऑसम है। और डुअल रियर कैमरा नहीं है, सिंगल कैमरा है। बट प्रोसेसर हेलियो P60 प्रोसेसर है, इनबिल्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें दिया गया है, काफ़ी अच्छा है। रैम ज़्यादा है, इंटर मेमोरी ज़्यादा है, ओप्पो का ही सब ब्रांड है। तो ये ओप्पो कर क्या रहा है दोस्तों, मुझे तो ये डाउट आ रहा है कि ओप्पो खुद ही निकलता है 11,000 रुपये में सिर्फ 2 GB रैम और 16 GB इनबिल्ट, ऐसे कोई चलता है आज के ज़माने में, वो भी जहाँ पर आपको 3-3 GB 4-4 GB रैम मिल रहा है आपको 11,000-12,000 में, यहाँ पर 11,000 रुपये में सिर्फ 2 GB रैम 16 GB इनबिल्ट, ये कुछ खटक रहा है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो मैंने यहाँ पर बताया, डिटेल में इसके इमेजेस और पिक्स मैंने यहाँ पर शेयर कीजिए किए हैं, आप प्लीज़ देखिए और बस एंजॉय कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, जय बाबा, जय हिंद।